लेकिन मैं इसी एक्टिविज्म कोट भी आजकल एक्टिविस्ट हो रहा है मैं देखता हूं। वो कहता है अगर आप सोचिए कि सीए एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है, सीए के खिलाफ, एनआरसी तो है ही नहीं एक्चुअली, तो सीए के खिलाफ अगर शाहीन बाग प्रोटेस्ट चल रहा है तो कोर्ट कहती है कि साहब की बात सुनिए आप, लेकिन अगर वही प्रोटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के बाहर हो जाए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के घर के बाहर हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जज कहेंगे इनको उठा के बाहर फेंक दीजिए, तुरंत यहां से हटाइए। जैसे कि मैं लखनऊ, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक कोटेशन कोट करना चाहता हूं। वहां के जजों ने योगी सरकार को ये निर्देश दिए कि हर गांव को दो एम्बुलेंस दीजिए आप, हर गांव को दो एम्बुलेंस दीजिए, ठीक है, और हर गांव में एक प्राथमिक कोविड का सेंटर डालिए और यथाशीघ्र हमें 2 हफ्ते या 3 हफ्ते का, मैं इसमें थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ, 2 या 3 हफ्तों में वो सारी चीजें करके कोर्ट में सबमिट कीजिए। योगी सरकार को वापस जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को बताया कि भाई आप अपने दायरे में रहिए, लक्ष्मण रेखा में रहिए। आपको ये लगता दुबे जी कि कभी कभी सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो वो एक्टिविज्म करने लगता है, उसमें क्रांतिकारी आत्मा घुस जाती है, बहुत सारे मामलों को लेकर वो कहता है कि हम ही सब हैं, तो क्यों ना कोर्ट का जो जज है, सुप्रीम कोर्ट के माननीय कोर्ट के जो जज हैं या हाई कोर्ट के जो जज हैं, वो ऑर्डर ऑर्डर करें और टेबल पे वो जो वो बजाएं हथौड़ा और कहें कि यहाँ 400 एम्बुलेंस हाजिर हो, तो 400 एम्बुलेंस वो बजाज की कंपनी में या महिंद्रा की कंपनी में बनकर तुरंत वहां हाजिर हो, क्योंकि सर्वशक्तिमान है ना, कभी कभी देवता भी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों वो जजेस के सामने हाथ को जोड़कर खड़े हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिविज्म किस तरीके से देख रहे हैं। देखिए ऐसा है ना, जुडिशियल एक्टिविज्म तो है और जुडिशियल एक्टिविज्म होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि पार्लियामेंट सब कोई, मैं पार्लियामेंट की अकेले बात नहीं करता, सब कोई सब चीजों का सलूशन नहीं निकाल सकता, इसलिए हमने वाटर टाइट सेपरेशन न रखते हुए एक दूसरे का पूरक बताया है, क्योंकि जो रिसर्च वर्क है वो कोर्ट में होता है, तो कोर्ट के सामने जब रिसर्च वर्क आता है तो जिस प्रकार की रिसर्च आती है, और कोर्ट भी है तो आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग ही, ऐसा तो नहीं है कि वो कंप्यूटर है जो आप फीड कर दोगे वही करेगा, तो वो भी ह्यूमन बीइंग है और उसको भी उसी सोसाइटी को न्याय देना है जिस सोसाइटी के लिए पार्लियामेंट बैठी हुई है। इसलिए ये हम ये कहें कि जुडिशियल एक्टिविज्म होना चाहिए, लेकिन सबको अपनी लिमिटेशंस याद रखनी चाहिए। मैं आपको एक इलस्ट्रेशन बताता हूं। एक केस आया लॉर्ड एम पे चीफ जस्टिस थे भारत के, और मेरे ख्याल से केस का नाम राजा नंद कुमार या क्वासीजुरा का केस है। एक जमींदार था और जमींदार ने अपनी जमींदारी गिरवी रख दी किसी को और पैसे नहीं दे पाया, तो जिस व्यक्ति के पास गिरवी रखी वो कोर्ट चला गया। कोर्ट ने इसकी जमींदारी उसको देने का निर्णय ले लिया कि भाई जिसको तुमने गिरवी रखा था जमींदारी उसको दे दो। इंप्लीमेंट कौन करवाएगा? इंप्लीमेंट तो सरकार करवाएगी। तो गवर्नर जनरल को कोर्ट ने कहा कि भाई इसकी जमींदारी इसको दिलवा दो। गवर्नर जनरल की काउंसिल ने उसको मानने से मना कर दिया। अब ऐसा मानने से मना कर दिया तो लॉर्ड एमपे ने ऑर्डर कर दिया उनकी उनकी काउंसिल पर कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अच्छा, जो गवर्नर जनरल की अपनी काउंसिल थी उसके पास भी कंटेम्प्ट की पावर थी, उसने इनके खिलाफ कंटेम्प्ट लगा दिया ज्यूरी के खिलाफ का। अब दोनों के बीच में झगड़ा हुआ तो दोनों को इंग्लैंड बुलाया गया, और एमपे का क्या हुआ, उनका साउथ अफ्रीका ट्रांसफर हो गया। क्या कहा वहां क्या हुआ होगा? हुआ ये होगा कि भैया देश चलाना ज्यादा जरूरी है या आप जो न्याय की किताबें लिखी हुई हैं उसके आधार पर सब गड़बड़ कर दोगे। तो उस समय निर्णय ये हुआ कि नहीं, जमींदारी होगी, जमींदार मेरा आदमी होगा, सही से चल रहा होगा, तो फिर अंग्रेज सरकार यहां बैठ पाएगी। जब अंग्रेज सरकार ही नहीं होगी तो कानून व्यवस्था कैसी होगी? तो कोर्ट को भी, जैसे आज कोर्ट ने जो जजमेंट दिया सुबह, मुझे लगता है कि वो जस्टिस रमन्ना ने जो जजमेंट दिया काबिले तारीफ है कि पेगासस को लेकर केस में कोर्ट में केस चला गया और कपिल सिब्बल कह रहे हैं सब बताओ आपकी सिक्योरिटी सिस्टम क्या है, आप क्या क्या करते हैं लोगों को जानकारी के लिए। तो सॉलिसिटर जनरल ने उनसे कहा कि साहब अगर हम सब डिस्क्लोज कर देंगे तो फिर ये आतंकवादी सब हमारे अनुसार चलने लगेंगे और हम जो डिस्क्लोज करेंगे उसका उल्टा करने लगेंगे, फिर हम कैसे पकड़ेंगे इनको। तो जस्टिस रमना ने कहा कि बात ठीक है कि ये सब आप मेरे पास आए हैं, कोर्ट उनसे कहा कपिल सिब्बल से आप मेरे पास आए ठीक है, लेकिन राष्ट्र की सिक्योरिटी को हम भी दांव पर नहीं लगा सकते, इसलिए एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई जाए, वो एक्सपर्ट कमेटी ये तय करे कि कौन सी बात कोर्ट को बतानी है कौन सी नहीं बतानी है।
उस एक्सपर्ट कमेटी का काम ये होगा कि कौन सी बात कोर्ट को बताने से नेशनल थ्रेट होता है, कौन सी बात बताने से नेशनल सिक्योरिटी बनी रहती है, ये वो तय करे। क्योंकि आप हमें, हम अगर जबरदस्ती सब कुछ पूछ लेंगे तो ये पब्लिक डोमेन पे चला जाएगा और देश की सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आज। इसलिए उन्होंने कहा कि आप डिटेल्ड एफिडेविट अपने हिसाब से कमेटी बनाकर फाइल करिए, हम आप पर जोर नहीं डाल रहे कि आप क्या जमा करें क्या ना जमा करें। जबकि उधर कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि नहीं साहब ये बताएं पूरी बात हमको कि ये बाकाई में फोन टैपिंग हो रही कि नहीं हो रही और क्या क्या कर रहे हैं फोन टैपिंग करने के लिए। तो आप बताओ कि सब कुछ आपको बता देंगे तो आतंकवादियों को कौन पकड़ेगा, और कैसे हम आतंकवादियों को पकड़ेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी, जब सब कुछ कोर्ट को ही बता देंगे तो आतंकवादी तो हमसे आगे चलेंगे। तो मुझे लगता है कि कोर्ट भी बैलेंस बनाने की कोशिश करता है पूरा, लेकिन भाई जो कोर्ट है वो भी ह्यूमन बीइंग है। इसीलिए हमने पहले 2 जजों की बेंच, फिर 3 की, फिर 5 की, फिर 7 की, 9, 11, 13 जजों की बेंचें इसीलिए बनाई कि अगर नीचे एरर हो गया तो और बड़ी बना लेते हैं और बड़ी, और फिर अगर 13 का भी जजमेंट हो गया तो पार्लियामेंट के पास तो अधिकार सुरक्षित है, आप उठाइए और उसको फिर से उड़ा दीजिए फिर हम रिव्यू करेंगे। तो ये सिलसिला थोड़ा चलता रहेगा थोड़े दिनों तक। लेकिन ये सिलसिला आप उड़ाते रहिए, हम रिव्यू करते रहेंगे। इसमें मुझे लगता है कहीं कहीं न्यायपालिका और संसद के बीच ईगो भी क्लैश होता है। बहरहाल मैं उस मुद्दे पर नहीं आ रहा हूँ दीपक जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ दीपक जी, सवाल पूछना चाहते हैं दुबे जी से कि मुझे लगता है ईगो क्लैश वाले मुद्दे पर तो फिलहाल बात नहीं करते हैं। दीपक जी आप सवाल पूछिए प्लीज। दोनों अपने अपने तराजू पर चेक करते हैं, इसलिए वो दोनों में एक दूसरे में क्लैश हमको लगता है, दोनों अपनी अपनी धुरी पर चल रहे होते हैं। हाँ कभी कभी जैसे जस्टिस काटजू बैठ गए थे, वो अपना दिमाग खराब करके काम कर रहे थे, वो अलग हो जाता है कि वो जब जबरदस्ती का उंगली करने की आदत पड़ जाए। अदरवाइज आपने देखा होगा मोदी सरकार 7 साल से बैठी, कोर्ट से क्लैश नहीं करती वो। कोर्ट अगर कोई ऑर्डर कर देता है, देश कहता है नहीं गलत हुआ ऑर्डर, ये ठीक नहीं है वो, लेकिन सरकार फिर भी उसके बीच करा। सरकार फिर भी मुझे लगता है उसके बीच का रास्ता है कि हाँ, तो अगर हम इंस्टीट्यूशन को ही मेंटेन नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर ये सब चलेगा कैसे। तालिबान बन जाएंगे क्या, तालिबानी हैं जो इंस्टीट्यूट मेंटेन नहीं करते, सब उनके हाथ में है। तो ऐसे नहीं होता, इंस्टीट्यूटों को मेंटेन कर, हाँ इंस्टीट्यूटों को मेंटेन करना भी मेरा ही काम है। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन अभी इसी से रिलेटेड जुडिशियल एक्टिविज्म से था। अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट में लास्ट जब कांवड़ यात्रा थी, उन्होंने यूपी गवर्नमेंट को उस पे कांवड़ यात्रा बैन करने को बोल दिया कि आप इसको बैन कीजिए, नहीं तो इससे जो है ये कोरोना का जो है फिर केसेस बढ़ेंगे और दिक्कत होगी पूरी सोसाइटी के लिए और पूरे देश के लिए। फिर दूसरी जब केरला में जब उन्होंने खोला 3 दिन के लिए ईद की मार्केट, तो उन्होंने एक तरह से उनको पावर दे दिया, एक तरह से छूट दे दी कि आप, मैं आप पे छोड़ता हूं, लेकिन अगर इसके खोलने की वजह से अगर केसेस बढ़ते हैं तब उसकी जवाबदारी आपकी होगी। तो आप ये कहीं कि बैलेंस देखिए, मैंने आपको बताया कि न्यायालय में अलग अलग बेंचें होती हैं और ह्यूमन बीइंग होते हैं, सब कानून ठीक है, लेकिन पैरिटी सुप्रीम कोर्ट का अपना नियम है, वो ये कहता है किसी मामले में पैरिटी नहीं लगा सकते। जैसा जो मैटर सामने आया, जिस हिसाब से बहस की होगी वकीलों ने, उस हिसाब से उन्होंने ऑर्डर कर दिया होगा। नहीं तो कोर्ट, अगर कोर्ट रिस्पॉन्सिबल बनती है तो आप कैसे अलाउ कर देते हैं किसी गवर्नमेंट को? सर आप गलत ना, मैंने आपको बताया कि कोई कंप्यूटराइज्ड मामला नहीं है कि आप क्लिक करोगे तो पूरे देश में एक सही ऑर्डर निकलेगा, उसमें ह्यूमन बीइंग है भाई, और वकीलों की अपनी, हम भारत के कानून को कहते हैं लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन, भारत का कानून जो है वो लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन है, यानी कि वकीलों का स्वर्ग है, और वकीलों का स्वर्ग है तो वो अपने हिसाब से डील करते हैं, लेकिन यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती भी है। ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती भी है कि भाई कभी किसी के फेवर में ऑर्डर जा रहा है तो कभी किसी के, कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे अगेंस्ट में जा रहा, कोई ये नहीं कह सकता हमारे फेवर में आ रहा। तो ये कानून है, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के सामने जिस प्रकार की बहस हुई, जिस प्रकार का मैटर गया वैसा गया, ऐसे होता है। ठीक है दुबे जी, क्योंकि समय बहुत कम है, मैं फटाफट 2 सवाल जरा आपसे पूछ लूं। एक, क्या किसान आंदोलन को लेकर कोर्ट का रवैया या कोर्ट का एक्टिविज्म क्या सही आप उसे ठहरा रहे हैं? जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर कोर्ट ने जो उसका पूरा मतलब स्टेप बाय स्टेप जो चीजें फॉलो की हैं अब तक की, आप उसे कोर्ट ने कभी, कोर्ट ने कुछ मना नहीं किया, कोर्ट ने केवल सस्पेंड किया और कहा जब तक जागरूक पूरा ना कर लें तब तक मत इम्प्लीमेंट करिए। और ये कानूनी एक पहलू भी होता है, जब हम
कोई कानून बनाता पब्लिसिटी के लिए कि देश को बताइए, जैसे मैंने कहा आईपीसी भारत में पास हुई 1858 में पास हुई, 1961 में लागू करी, 3 साल तक सिर्फ अवेयरनेस करी कि भाई देश में ये कानून है। तो कोर्ट के सामने जब समस्या आई तो कोर्ट को ये लगा कि नहीं, हम इसको अपास तो नहीं कर रहे हैं, कानूनों को गलत भी नहीं बता रहे हैं, और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि कानून तुरंत लागू कर दो, हम ये कह रहे हैं कि आप एक सामंजस्य बिठा लीजिए, देश को पहले कन्विंस कर लीजिए साथ में। अब कुछ लोगों ने जिद मान ली, कन्विंस होना ही नहीं चाहते हैं, उसका सलूशन कोर्ट के पास कुछ नहीं है। तो वो देश में जयचंद्र बहुत है, दुबे जी आपके एक प्रशंसक ने कहा है यार आप उनकी बखिया बेहतर देड़ते हैं। दीपक जी अपना सवाल पूछिए, फिर मैं अपना सवाल जरा फटाफट पूछूंगा, प्लीज। जी देखिए, कुछ कुछ जो आप जैसे कहा कि आपने कि जो मतलब डिफरेंट जो वकीलों की राय होती है उसके हिसाब से कोर्ट जजमेंट देता, लेकिन एक बेंचमार्क तो होता है ना। और सबसे बड़ी चीज की अगर ये गलती करती है, अगर न्यायपालिका गलती करती है, सुप्रीम कोर्ट गलती करता है, तो उसके ऊपर क्या है सवाल? आपने जैसे केरला में, आज केरला में हालांकि जिम्मेदार नहीं है सुप्रीम कोर्ट, तो उसको उसके लिए क्या मतलब कोई वे आउट है? कहीं ना कहीं कोई सलूशन होना चाहिए। मैंने आपको फाइनल आर्डर सुप्रीम कोर्ट का है सर। देखिए आप केवल सुप्रीम कोर्ट मत कहिए, 2 जजों की बेंच, 3 जजों की बेंच, 5 जजों की बेंच, 7 जजों की बेंच, 9 की, 11 की, 13 की अभी तक बैठ चुकी है। तो अगर गोलकनाथ का जजमेंट 11 जजों की बेंच का था और 6-5 से पास हुआ था, तो उसी को बदला है अगली 13 जजों की बेंच ने और 7-6 से पास किया उसको, तो सर आप उसको रिव्यू डालिए वहां पर। अगर आपको लगता है कि ये रीजनिंग गलत हो गई तो रिव्यू डालिए, बड़ी बेंच जाएगी, बड़ी बेंच फिर से सुनेगी उसको। हमने कभी भी किसी भी मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि हमने दरवाजे बंद कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट आप 20 बार लेकर जाइए और मैटर को उनको रीजनिंग नहीं दीजिए, आप एक ही बात को लेकर 4 बार चले जाएंगे तो रिक्वेस्ट लगा देगा, कहेगा यार रोज चले जाते हो एक ही बात को लेकर। लेकिन अगर आप नई रीजनिंग लेकर जाते हैं तो कोर्ट आपको सुनता है और कोर्ट फिर कोर्ट को लगता है अगर वो कन्विंस होता है तो वही कोर्ट जिसने जजमेंट किया है वही कोर्ट स्वयं कहती है कि इनकी बात में अब हमें कुछ जान लगती है लेकिन मैं अपना जजमेंट पलट नहीं सकता, इसलिए चीफ जस्टिस को मैं इसको फॉरवर्ड करता हूं, वो बड़ी बेंच बिठाकर इसको सुनवाई करवाएं। वही जज जिसने डिसीजन दिया होता वही फॉरवर्ड करता है। तो ये खूबसूरती भी है सर, अब अच्छा और खराब है तो ये लेकिन सर अगर लॉस होता है, बात आपकी सही है, मैं आपके मान लिया बात, लेकिन पब्लिक लॉस होता है देश को लाता, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? कहीं कहीं तो हाँ, और इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है आपसे दुबे जी कि तमाम ऐसे लोग हैं जो पीआईएस लगते हैं और किसी खास संगठन या फिर विकास के कामों को रोकने के लिए, सरकार के कामों में अड़ंगा डालने के लिए बेमतलब की पीआईएस लगाते हैं लगातार, मैंने देखा, जिसमें कोर्ट का भी समय बर्बाद होता है, सरकार की भी फजीहत होती है, सही चीजें होती है, और वो खुद के इंटरेस्ट के लिए भी होती है और कुछ लोगों के इंटरेस्ट के लिए भी होती है। आपको लगता है कि ये सारा ये जो एक्टिविज्म है, ये तथाकथित एक्टिविज्म, ये एक्टिविज्म भी नहीं मानता मैं, ये बंद होना चाहिए? एक चीज तो आप तय समझिए कि आपने अगर तलवार बनाई है तो तलवार तो बहुत कुछ काटना जानती है, अब उसका इस्तेमाल सही से हो इसके लिए सोसाइटी को सिविक सोसाइटी बनाया जाता है। इसलिए वो जो आपने जुडिशियल एक्टिविज्म का रास्ता खुल गया है या कोर्ट के सामने आर्टिकल 32 खुल गया है, उन्होंने कुछ मजलूमों को मदद करने के लिए आया था और उन्होंने कहा था भाई ये इस तरह से हम पीआईएल ले लेंगे, तो पीआईएल वहां पर जाती है, फिर आपको याद होगा कि एचएस चौधरी जनता दल का जजमेंट आया था, उसमें कॉस्ट भी लगाई है, फिर उन्होंने कॉस्ट लगानी शुरू कर दी, आजकल तो 5-5, 10-10 लाख रुपए कॉस्ट लगा देते हैं अगर आप जबरदस्ती कोर्ट को परेशान करना शुरू करते तो 20 लाख बड़ी बड़ी कॉस्ट लगा देते हैं अब तो। अब उसमें हो सकता है कि उस कॉस्ट के चक्कर में कुछ शरीफ लोग भी फंस जाते हों और हो सकता है कि कुछ जो जबरदस्ती कोर्ट आए थे उनको रिलीफ भी मिल जाता है। तो मैंने बार बार कहा कि है तो ह्यूमन बीइंग आखिर। और सबसे खास बात यह है कि लॉर्डशिप है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक बंधा हुआ है, जो कानून में लिखा है उससे बंधा हुआ है। हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को हमने कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा है और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के नाते वो संरक्षक है कानूनों का, तो कानूनी व्यवस्था में एग्जीक्यूटिव पार्ट में कहीं भी उसको खामी लगती है तो वो अपना निर्णय देगा। अब वो मैंने कहा कि वो ह्यूमन बीइंग है, वो भी, वो आपको निर्णय अच्छा भी लग सकता है और खराब भी लग सकता है, और खास बात तो ये है कि 2 पार्टी गई, एक को बुरा लगेगा ही। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड के तौर पर आप देख रहे हैं दुबे जी, आप कॉन्स्टिट्यूशनली सेफ गार्ड के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन इस सेफ गार्ड के पास मुझे लगता है करोड़ों लाखों केसेस पेंडिंग है और इस वक्त भ्रष्टाचार
आप, मैं इस बात को कहता हूँ गाये बगाये इस बात को, होता है कि जुडिशियल जो पूरी सिस्टम है इसमें थोड़ा भ्रष्टाचार की भी दिक्कत है, और बड़ी समस्या जो लाखों करोड़ों केसेस पेंडिंग की जो बात होती है कि इतने करोड़ केस, इतने लाख को मतलब केसेस जो है पेंडिंग है, और आपको क्या लगता है कि यह ये क्या न्याय व्यवस्था के लिए सही एक तरीके से आप इसे मानते हैं, और इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? आप पत्रकार हैं, अच्छी बात है, मैं आपको चीफ जस्टिस घोषित कर देता हूं, अब बताइए सोल्यूशन क्या है। मुझे कानून की समझ नहीं है सर, मैं सवाल सर तो फिर आप प्रश्न, हाँ मैं यही कह रहा हूँ ना कि आपने पहले भी मैं इसे कहा कि देखिए कोर्ट बैठती है, हर संभव प्रयास करती है जैसे वो रोक सकती है। भ्रष्टाचार आपको मालूम है कब से है, मैं भ्रष्टाचार का समर्थक नहीं हूँ, और भ्रष्टाचार रोकना चाहिए और पूरी शक्ति लगानी चाहिए और लगाने की कोशिश भी होती है, लेकिन साहब ये ब्लड में आ गया है, नेटवर्किंग में आ चुका है। तो अब ब्लड ब्लड से ग्लूकोज, जब डायबिटीज हो गई ग्लूकोज निकालें कैसे, ये तो बताओ आपके पास कोई सोल्यूशन है तो बताइए, नहीं तो ये कहते रहिए इनको डायबिटीज हो गई बीमार है मर जाएंगे। तो अब इसका सोल्यूशन बताइए कि क्या है, कि वो डायबिटीज सही कैसे की जाए। इसलिए सर कोई भी न्यायाधीश बैठता है वो पूरी कोशिश करता है कि हम इसको ठीक कर लें, लेकिन कैसे ठीक करे वो अपने अपने उपाय लगाता है, कभी अच्छे परिणाम भी निकलते हैं और कभी परिणाम नहीं निकलते हैं। आपका समय बहुत कीमती है, और समस्या तो यह है कि हमने केवल संविधान, कोर्ट, वकालत और इन्हीं सब पर बात की है जो जो मुख्यतः मुद्दा था। एक्चुअली आप चीजों को बहुत बेहतर तरीके से एलुब्रेट कर रहे हैं, संविधान से जुड़ी हुई, कोर्ट से जुड़ी हुई, और इन सारी चीजों को आप बेहतर तरीके से एलुब्रेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, और मैं अपने मतलब मेन पार्ट तक तो पहुंच ही नहीं पाया दुबे जी, लेकिन एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपके पास समय कम है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है क्या वाकई में ठीक है उस मुद्दे पर तो मैं अभी फिलहाल जाने के मूड में भी नहीं हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति है और जो पूरा सिस्टम है कि सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा, सुप्रीम कोर्ट के जजों के पूरे पैनल में कौन आएगा, या हाई कोर्ट में नियुक्तियां कैसी होंगी, ये सुप्रीम कोर्ट या जजों की नियुक्ति, इसमें भाई भतीजावाद भी होता है, पॉलिटिकल एक अप्रोच भी लगाई जाती है और एक दूसरे को फायदा पहुंचाने की जाती है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं दुबे जी? देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था ह्यूमन बीइंग हैं, और ह्यूमन बीइंग के पास हृदय भी होता है, ह्यूमन बीइंग के साथ भावनाएं भी होती हैं, और ह्यूमन बीइंग का लगाव भी होता है, लेकिन उसका सलूशन मुझे जहां तक लगता है कि जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि आप एक डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट जब करते हैं तो उसका एक एग्जाम लेते हैं, और हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट करने के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, हाई कोर्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट, सुप्रीम कोर्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्वालिफाई कर लीजिए, उसके बाद जो क्राइटेरिया लगाने हैं वो लगा लीजिए। तो कम से कम कभी कभी गड़बड़ लोग आ जाते हैं वो तो रोक लेंगे, अगर भाई भतीजा बाद भी कहीं लग रहा है तो कम से कम एक एलिजिबिलिटी का सर्टिफिकेट तो लाए कि भाई मैं एडजेस बनने लायक हूं, मैं जिला जज बनने का क्वालिफिकेशन मेरे पास है। जो जिला जज बन सकता है वो ही हाई कोर्ट का जज बन सकता है, जो जिला जज नहीं बन सकता वो हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता, ये क्राइटेरिया बना दीजिए। और इस बात को मुझे लगता है क्यों नहीं सहमत सब होते हैं ये तो वो लोग ही जवाब दे पाएंगे, मेरे पास उसका जवाब नहीं, लेकिन मेरे पास सोल्यूशन है। मैंने जैसे आपसे कहा कि हम किसी पर ऑब्जेक्शन लगाने पर विश्वास कम करते हैं, उसके उपाय ढूंढने पर ज्यादा विश्वास करते हैं, और उपाय उसका यह है कि जो एचजेएस का एग्जाम होता है, हायर जुडिशियल सर्विसेज का हर स्टेट में एग्जाम होता है, वो क्वालिफाई कर ले।